जो मेरा खास दोस्त है शुभम धीमान, तो उसने धक्के से भेजा था पेपर देने के लिए। पेपर देने के लिए मैं राजी नहीं था, मैंने कहा था मेरे को कुछ आता तो है नहीं, वैसे भी फेल हो जाऊँगा। तो उसने धक्के दे कर भेजा था मेरे को कि भाई पेपर दे के आ, फार्म भर दिया, अगर 5300 रुपये वेस्ट चले जाएंगे तो पेपर ज़रूर दे के आ। तो इसलिए उसने धक्के दे के भेजा था। बस वो खास है अपना, तो उसकी दया से ना पेपर क्लियर हो गया, तो 10th पास हो गई। भाई है तो उसका बड़ा साथ दिया उसने, तो इसलिए क्लियर हो गई 10th। उसके हौसले ने, उसने बोला था कि भाई तू पास कर देगा यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ने बोला था तो जा, तो उसने थापी दे के भेजा था, तो क्लियर हो गई है उसकी। उसकी ही बस, उसकी उसी की दया थी, 10th क्लियर हो गई मेरी। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहुंच गए थे, उतारने लग चुके हैं, आधी से भी ज़्यादा खाली कर दिए यहाँ पे, 1500 जाएगी दुकान पर। चलिए शुरू करते हैं। चार हज़ार उतर गई, तो अभी चलते हैं दुकान की तरफ। खाली हो गई है, थोड़ी सी बची है, 100-150 होगी खाली, पैसे लेके फिर चलेंगे। भाई स्क्रीनशॉट मंगा ले। खाली है खाना, तो अभी चलते हैं भट्ठे की तरफ। पाल तो डाल ले, बैल को पाल बोलते हैं। आ भाई क्या कर रखा है ये, इसने क्या कर दिया, यो छुट्टी कर रहा है, किसकी घोड़ी है, किसकी घोड़ी है, सचिन की, फिर भर देगा यो, तो बुला उसने फोन करके। मैं बताऊं ऐसे लगा लेना इधर से, हाँ इधर से डाल देगा, मैं पीछे डाल दूं, मैंने नहीं बेरा, तुम भर दे, भर दे, बुला बंदे, अरे इसने पट करवा पहले, फिर पहले पट करवा ले, अरे ये भी मत उठाइए, फिर ये भी अंदर जाने दे, फिर ये कैसे जाएगा, अंदर चला जाएगा, डाल लेगे जाओ, फिर उठा दे, फिर उसको उठा ले, उसको मत छेड़िए, फिर हाँ ये अंदर आ जाएगी, हाँ ये काट दे बस, ठीक है पक्का यार, कमाल कर रहा है, मैंने आज तेरा याद था, मैं आज उसकी उसकी तरफ लगाऊंगा, ठीक है ना भाई, पक्का लगाएंगे, हाँ
यू जाना है, देख चश्मे वाला रोज कह दे है, कल ना फिर उनकी तरफ लगाओगे, आज थारी तरफ लगा देंगे। ठीक है, सही बात है, शुक्रिया, है ना भाई, सही बात है, कल भी उनकी तरफ लगाए थे ना। हाँ वो रहा छोरा, देखो ऊपर खड़ा है टोपी वाले, वीडियो बन रहा है। ठीक है भाई, फिर ये काट ले इतने घोड़ी है। ये आ गया भाई लड़का, इसकी है ये घोड़ी, इन्हें अच्छा। मार रखी है छुट्टी आज। अरे भाई दिक्कत हो गई, इस चीज की दिक्कत हो गई, ऐसे दर्द करता पैर, पेट में क्या हो गया, पैर दर्द करते हैं ना यार, पेट तो दर्द करना चाहिए भाई, ज्यादा खा पी लिया होगा तेरे को, ठंडा पी लिया होगा, ठंडा और बढ़िया हो जाता है, ठंडा से बढ़िया कैसे हो जाएगा मूर्ख। अरे बढ़िया, ठंडा कोई पीने की चीज है और क्या, फेंकना है। चल तू जल्दी आ फिर भाग के, ठीक है ना, कौन सी झुग्गी है तेरी, उधर है वो लास्ट में, जल्दी आइए भाग के, पेट दुख रहा बेचारे का, ज्यादा रेड़ा उठाते है ना, वजन उठाते है, खाने पीने की वजह से तो नहीं होता कुछ भी, पर रेड़ा उठाते हैं ना, रेड़े की वजह से होता है, हल्का सा तो है ये बेचारा, 15-16 साल का है, बहुत काफ़ी कम उम्र, काम करते हार्ड वाला, बड़ो बड़ो की बड़े बड़ों का पसीना छूट जाता है इस काम में, ये तो बहुत बच्चा है, ये तो अभी ट्राली लगाया है, जैसे मर्जी भर लेंगे, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सोने जा रहा हूँ। भर गई है, बढ़िया ईंट है, लग गया पल्लड़, अभी चलते हैं। पहुंच गए हैं कमरे पर, तो नहा लेते हैं पहले, तो कल को क्या पता लेट सवेर हो जाए, 5:30 हो गए हैं। 10th class का पेपर दिया था ना मैंने, तो वो क्लियर हो गया है, अब DMC हो जाएगी 10th pass की। जो कह रहे थे कि भाई पेपर दिलवाया है, दिलवाया है, कई बंदे कह रहे थे, तो पेपर दिलवाया नहीं था भाई, खुद दिया था, तो क्वालिफाइड 295। जो कुछ और टाइप के हैं ओके कूलर, अरे गरम पानी करके अब हमें यार खोला ले बाप में ऊपर के बनाओ हो राज, प्याज और बेसन कट्टा है, बेसन के पकोड़े, कल ने काम कर रही है अंदर शहर सारे, बस खाएंगे खाना, रोटी लेके आएंगे बस होटल से, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक दिन पकोड़े बनाओ, बेसन के पकौड़े को क्या बोलते हो, तो अभी मंगा रहे हैं खाना, रोटी मंगा रहे हैं, सब्जी यहीं बन गई, तो अभी खाएंगे खाना, आने वाला है रोटी देने वाला, तो थोड़ी सी खुशी है, 10th pass हो गई है मेरी, 10th pass नहीं थी ना, रीअपियर थी 2012 के अंदर मेरी, तो अभी क्लियर हो गया है मेरा पेपर, मैंने ही दिया था, कई बंदे बोल रहे थे कि भाई किसी से दिलवाया, मैंने किसी से पेपर नहीं दिलवाया, मैंने ही दिया था खुद, और 5300 रुपये फार्म के लगे थे मेरे, बस उसके बाद में कुछ नहीं लगा, कैथल जाके दिया था, वीडियो में है देख लेना आप, और हमारे घर पे मेरी 10th pass हुई है अब, और राकेश भाई की है, सचिन भाई की है, और CBSE बोर्ड से बचन भाई की है, और तो शायद हम 9 भाई हैं, 9 भाइयों में से 3 की ही है बस, पढ़े नहीं हम, पढ़ाई में ध्यान नहीं था, तो इसीलिए बस। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है, तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।